मैं संजय कुमार और संजय मिक्सटेक में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्मेचर के बारे में। यह आर्मेचर है और यह आर्मेचर कभी कभी ख़राब हो जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि शॉर्ट हो जाता है अपनी देसी भाषा में। तो यह आर्मेचर ख़राब है या सही है, इसको हम किस प्रकार से चेक करते हैं, तो मैं आज आपको इसको चेक करने के लिए दो तरह से जो दो विधियां हैं उनको बताना चाहता हूं। देखिए, एक तो मैं मल्टीमीटर के माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं भी है तो मैं आपको सीरीज से किस प्रकार चेक करते हैं आप, उस विधि को भी बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज को हटा देता हूँ और मैं आपको इस मल्टीमीटर के माध्यम से आपको चेक करना बताता हूँ कि कैसे आप चेक करें कि हमारा आर्मेचर सही है या ख़राब है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मल्टीमीटर को इस कंटिन्यूटी मोड पर रख लेना है और इसका कंटिन्यूटी मोड का सिंबल ये है, तो इसको हम इधर कंटिन्यूटी मोड पर लगा देंगे। देखिए, इसको हम चेक कर लेंगे। कभी कभी इसमें बीप की आवाज़ आती है, बीप की आवाज़ नहीं भी आए तो इसमें एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आना चाहिए। जैसे कि अभी एक दिख रहा है, तो देखिए अभी हम इसको टच करता हूँ, देखिए आप इसमें इसकी बीप भी आ रही है और इसमें वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसका मतलब यह हमारा मल्टीमीटर सही काम कर रहा है और हमारा कंटिन्यूटी मोड पे लग चुका है। तो मैं इसके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो दिखाऊंगा आपको, आप देखिए, इसको हमें चेक करना है कि यह हमारा करंट तो नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ये हमारे इसको हम स्लॉट बोलते हैं, कार्बन स्लॉट है ये, कंप्यूटेटर जिसको हम बोलते हैं। इसमें कार्बन के माध्यम से हम करंट सप्लाई देते हैं और यह आर्मेचर का दूसरा भाग होता है जिसको हम स्लॉट कहते हैं। और हमें चेक करना है कि इसको एक इस पॉइंट कंप्यूटेटर पर लगा देना है, दूसरा इस पर लगाना है। देखिए, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अगर इसमें कोई वैल्यू आती है तो समझ लें कि हमारा आर्मेचर एकदम ख़राब है। इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, देखिए मैं इसके फिर से लगाना चाहता हूँ। और अगर आप यहाँ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन हम जैसे ही इस पर लगाएंगे, इस कार्बन वाले कंप्यूटेटर पर, इस भाग पर, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखना चाहिए। देखिए, यहाँ कहीं भी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह है कि हमारा आर्मेचर एक टेस्ट में तो पास हो गया है। अब मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको हम और बारीकी से किस तरह से चेक करते हैं। तो देखिए, अब जरा जूम करके दिखाएं, मैंने इन सभी स्लॉटों पे मार्क कर दिया है, जो कि रेड मार्क आपको दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा जूम करके और दिखाएं। अभी हमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पर हमें इस अपने मल्टीमीटर के एक पिन को रख देना है और हमें क्रम बाई क्रम, जरा मल्टीमीटर को दिखाते रहें आप। मान लीजिए हमने अब इसको इस पर रख दिया है और अभी हम हर पॉइंट पर लगाएंगे। देखिए, इस पॉइंट पर लगाएंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आ रही है। अभी हम फिर से देखिए, ये सेकंड पॉइंट पर लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ रही है। इसको नहीं हटाना है, इसको हमें एक ही जगह स्थिर रखना है और हम एक पॉइंट बाय पॉइंट चेक करते जाएंगे। देखिए, इस पर भी वैल्यू आ रही है, इस पर दिखाइए आप ज़रा, इस पर भी हमारी वैल्यू आ रही है, इस पर दिखाइए ज़रा, इस पर भी हमारी वैल्यू आ रही है, इस पर देखिए, इस पर हमारी वैल्यू आ रही है। इस प्रकार के हमें जितने भी हमारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं कंप्यूटर के, क्रम भाई सभी पॉइंटों पर रखते जाना है और लास्ट में यहाँ तक इस तरह से लगाते जाना। देखिए, इस पर रख दिया, इस पर वैल्यू आ रही है, इस पर भी वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से अगर हमारी वैल्यू सभी पॉइंटों पर आ रही है, इसका मतलब है हमारा आर्मेचर एकदम सही है और ख़राब नहीं है। मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर रखा, किसी और दूसरे पॉइंट पर ले लीजिए आप, हमने इस पॉइंट पर रख लिया और जहाँ भी हमारी वैल्यू नहीं आए, मान लीजिए हमारी वैल्यू इधर आ रही है, देखिए आप, इस फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी वैल्यू इस पर आ रही है, ये आ रही है। और अगर वैल्यू इधर आ रही नहीं आ रही है, अभी तो दिख रहा है, अगर नहीं आ रही है कहीं भी वैल्यू, अगर आपकी नहीं आ रही है, कंप्यूटर हमारा मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है, आप समझ लीजिए हमारा जो आर्मेचर है वो एकदम शॉर्ट है। तो ये हमने आपको मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करना बताया, इसी प्रकार से मैं आपको सीरीज से चेक करना बताना चाहता हूँ कि हम सीरीज के माध्यम से किस प्रकार से इसको चेक करेंगे। मैं आपको सीरीज के माध्यम से इस आर्मेचर को चेक करना बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कार्बन वाले भाग को, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, एक वायर इस पर रखना है और दूसरा इधर लगाना है। अगर इस पर बल्ब जल रहा है तो ये हमारा ख़राब है, अगर बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब है आर्मेचर एकदम हमारा सही है। देखिए, इधर भी नहीं आना चाहिए करंट सप्लाई, इधर भी नहीं आना चाहिए, इधर तो आना चाहिए लेकिन इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हमारा अभी एक जो टेस्ट है वो
सक्सेसफुल हो गया है। अब देखिए दूसरा हमें क्या करना है कि इसको जो जितने भी हमारे कंप्यूटर के स्लॉट बने हुए हैं यानी गैप बने हुए हैं वो सब अलग अलग होते हैं, तो हमें किसी भी एक पार्ट यहाँ रख लेना है। देखिए जरा जूम करके दिखाएं, किसी भी एक जगह इसको टच कर लेना है। अब हमें क्रम बाई क्रम जितने भी हमारे जो इसमें स्लॉटिंग है, देखिए इस पर लगाएंगे तो हमारा एकदम सप्लाई आ रहा है, इस पर भी 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 आ रहा है, इस पर भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है। फिर हम पुनः घुमा लेंगे इसको, और घुमाने के बाद देखिए हम इसको फिर एक पॉइंट पर लगा लेंगे, और पॉइंट पर लगा लेने के बाद फिर से देखिए इस तरह से इसको चेक करेंगे। हम प्रत्येक पॉइंट को चेक करेंगे, अगर हमारी सभी पर सप्लाई आ रही है यानी बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा आर्मेचर एकदम सही है। और अगर कहीं भी नहीं जल रहा है बल्ब, मान लीजिए हमने इधर रखा और बल्ब नहीं जल रहा है आपका, तो हमारा आर्मेचर एकदम हम इसको शॉर्ट मानेंगे। और यदि यह सब जगह इस तरह से हम टच करने पर सब जगह हमारा पावर सप्लाई हो रहा है यानी बल्ब जल रहा है बराबर सीरीज का, इसका मतलब है हमारा आर्मेचर एकदम सही है। मैंने एक ख़राब आर्मेचर भी लिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा या क्या चीज़ है। यह आर्मेचर है, इसके ऊपर मैंने एक कागज़ लगाया हुआ है, चूँकि मैंने एक मॉडल बनाया है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आपको, लेकिन मैं आपको बता दूँ यह एक आर्मेचर ही है और आप इसको देख के समझ रहे होंगे इसके कंप्यूटर की स्लॉट है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे यह सही है कि ख़राब, देखिए इस किसी पॉइंट पर भी इसको आप रख लीजिए और देखिए आप यहाँ जल रहा है बल्ब, यानी यहाँ से आप सप्लाई चेक करते जाएँ, प्रत्येक पॉइंट पर सप्लाई चेक करते जाएँ। देखिए आप इस पर नहीं जल रहा है, इस पर देखिए इस पर बल्ब जल रहा है लेकिन इस पर नहीं जल रहा है, इस पर नहीं जल रहा है, इस पर नहीं जल रहा है। देखिए यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही आपकी किसी तरह की, आपकी यहाँ तक सप्लाई है, देखिए आप यहाँ तक सप्लाई आ रही है लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, इसका मतलब है यह आर्मेचर हमारा एकदम शॉर्ट है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि मल्टीमीटर से या सीरीज से किस तरह से अपने आर्मेचर को चेक करें, और आर्मेचर को खुद ही चेक करके उसको आप बदल सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।